हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी रेसिपी है वेज चाउमीन, जो मेरी तो फेवरेट है और आप में से किस किस की फेवरेट है नीचे कमेंट्स करिए। और आज मैं आपको एक स्ट्रीट फूड चाउमीन का सीक्रेट बताने लगी हूँ, तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और पूरी देखिएगा। तो चलिए फटाफट से चाउमीन बनाना शुरू करते हैं। चाउमीन बनाने के लिए यहाँ मैंने पानी को बॉईल करने रख दिया है, उसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक और उसके बाद इसमें जाएगा 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। साथ ही जो मैंने यहाँ पर हक्का नूडल्स ली हैं वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। मैंने यहाँ पर एग वाली ली हैं, आप यहाँ पर बिना एग वाली भी लें, अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो बिना एग वाली लें। और इस तरह से इसे रख दें और होते होते ये पूरी इसके अंदर डिप हो जाएगी और ये अच्छे से खुल भी जाएगी। तो जब ये हो जाए बॉईल, करीब 5 मिनट इसे बॉईल करें और ये 5 मिनट बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएगी। हाथ से प्रेस करके देखें, अच्छे से प्रेस हो रही है, टूट रही है तो ये हो गई है। बस अब इसे एक छन्नी से छान लें और इसे एक बॉल में डालें। बॉल में डालने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें आपको 2 टीस्पून ऑयल डालना है और उसे अच्छे से मिक्स कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी चाउमीन आपस में चिपकेगी नहीं और अच्छे से वो खिली खिली अलग अलग ही रहेगी। तो अब हम आगे प्रिपरेशन करते हैं अपनी वेजीज डालकर। तो एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, उस ऑयल में मैं सबसे पहले डालूंगी यहाँ पर लहसुन बारीक कटा हुआ और अनियन स्लाइस कट की हुई। साथ ही मैंने यहाँ पर सोयाबीन ली है जिसे मैंने बॉइल वाटर में आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। और कुछ सब्ज़ी ली है जैसे कि गाजर है, शिमला मिर्च है और पत्ता गोभी है, उन्हें मैंने लंबे लंबे साइज़ में कट कर लिया है। तो अब हमारा ऑयल गर्म हो गया, उसमें हम लहसुन डालेंगे और साथ ही हम अनियन भी डाल देंगे। चाउमीन में लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस इन्हें ज़्यादा देर नहीं पकाना है, जैसे ही ये हो जाएंगी आधे मिनट में तभी हम अपनी जो बाकी तीनों वेजीज़ हैं वो भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी सी वेजीज़ बचा ली हैं तीनों ही। और अब जो सोयाबीन मैंने भिगो कर रखी थी गर्म पानी में, उसे भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसे हम 2 मिनट के लिए थोड़ा सा पकाएंगे ताकि जो हमारी सब्ज़ियाँ हैं वो हल्की सी नरम हो जाएँ। ध्यान रखिए हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है और जो हमारे सब्ज़ियों की क्रंचीनेस है वो हमें बराबर चाहिए। तो यहाँ पर देखें इन्हें पकाते हुए 1 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें जो हमारी चाउमीन थी वो मैंने डाल दी है बॉईल करके जो हमने रखी थी, और इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ मैंने सॉल्ट डाला है एज़ पर टेस्ट, उसके बाद डाला है मैंने चाट मसाला 1 टीस्पून, उसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून और यहाँ पर जा रहा है आमचूर पाउडर, वो भी मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून डाला है। इसके बाद हम यहाँ पर सॉसेस डालेंगे, जैसे कि इसमें जाएगी सोया सॉस। अच्छा, आप इस चीज़ को देखिएगा कि मेरी चाउमीन का कलर थोड़ा लाइट है, क्योंकि जो मेरी सोया सॉस थी वो थोड़ी लाइट कलर वाली थी। अगर आपकी डार्क कलर वाली है तो थोड़ी कम डालें। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है सोया सॉस और चिली सॉस, और उसके बाद मुझे थोड़ी कम लग रही थी मैंने फिर से दोबारा से भी डाली थी। और इसे मिक्स करते वक्त ये ख्याल रखिएगा कि आप इस तरह फॉक से मिक्स करें ताकि जो आपकी चाउमीन है, वेजीज हैं, वो टूट नहीं जाएं और सब तरफ से आपके मसाले सॉसेस वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाएं। और चाउमीन बनाना बहुत ही इजी होता है, कोई भी उसमें मुश्किल काम नहीं होता है। अब आप देख रहे हैं जो मैंने थोड़ी सी वेजीज रोकी थी, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और अनियंस, वो मैंने यहाँ पर डाल दी हैं। इनसे क्या होगा ना, जब आप खाएंगे चाउमीन ये वाली तो आपको क्रंचीनेस आएगी सब्ज़ी की, वो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो बस सर्व करें। और मैंने यहाँ पर हरे प्याज से इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइए, नीचे कमेंट्स करिए और जो चाउमीन के शौकीन हैं उनके साथ ही रेसिपी ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब तो करते ही जाइए। और ये दोनों वीडियो देखना बिल्कुल नहीं भूलिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।